शेयर बाजार में अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है और इस दौरान बाजार में लिस्टेड कंपनियां अपने तिमाही नतीजे पेश करती हैं। इन तिमाही नतीजों के आधार पर ही स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलता है। बीते हफ्ते आईटी सेक्टर की कई दमदार कंपनियों ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए, जिसके बाद ग्लोबल ब्रोकरेज ने इन स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट और जानते हैं कि निवेशक किन स्टॉक्स को कितने टारगेट के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं zbusiness.com। इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट का पहला स्टॉक है TCS। ये टाटा ग्रुप की IT कंपनी है और इस पर कई ब्रोकरेज कंपनियों ने अपनी राय दी है। इस पर ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 3450 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा मैक्वायरी ने भी यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 4150 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। दूसरा स्टॉक जिस पर आप दाव लगा सकते हैं वो है विप्रो। विप्रो ने हाल ही में अपने क्वार्टर रिजल्ट्स पेश किए थे, जिसके बाद कई ब्रोकरेज कंपनियों ने इस पर अपनी मिलीजुली राय दी है। ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 450 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा मैक्वायरी ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 540 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। तीसरा स्टॉक भी IT सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है HCL Tech। इस शेयर पर ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और 1100 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा HSBC ने यहां पर खरीदारी की राय दी है और 1150 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं बात करें मैक्वायरी की, तो मैक्वायरी ने यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 1420 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। चौथा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने भी हाल ही में अपने क्वार्टर रिजल्ट पेश किए थे और 1650 रुपए प्रति शेयर की दर से अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने यहां पर खरीदारी की राय दी है और 1800 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा मैक्वायरी ने यहां आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 1870 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। बात करें मॉर्गन स्टेनली की, तो मॉर्गन स्टेनली ने यहां ओवरवेट की रेटिंग दी है और 1550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। क्रेडिट स्विस ने यहां आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1710 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। HSBC ने खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस दिया है 1640 रुपए। सिटी ने भी खरीदारी की राय दी है और 1685 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 1700 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। और आखिर में नोमुरा ने भी खरीदारी की राय दी है और 1640 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। पांचवा और आखिरी स्टॉक है माइंडट्री। इस पर ब्रोकरेज कंपनी ने मिक्स रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टेनली ने यहां पर इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस को 3150 रुपए से बढ़ाकर 3400 रुपए कर दिया है। इसके अलावा ब्रोकरेज कंपनी JP Morgan और नोमुरा ने अपने टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है। तो ये थे बीते हफ्ते के दमदार स्टॉक्स जिन पर ब्रोकरेज कंपनियों ने अपनी राय दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इन पांचों में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है।